global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. चंद्रवश एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रेश मेहता ने भोजपुरी के अभिनेता दिनेश लाल यादव, निरहुआ और यश कुमार को दो दो फिल्मों के लिए अनुबोध किया है। मेहता कहते हैं कि निरहुआ और यश कुमार को दो दो फिल्मों के लिए अनुबोध किया गया है, लेकिन अब तक फिल्मों का टाइटल सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्में हेलो पापा और मेरे पापा की शादी में जरूर आना में कई अभिनेता और अभिनेत्रियाँ होंगी, जिसकी शूटिंग 5 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। वैसे तो काफी बरसों से मेरी इच्छा थी कि भाई फिल्म इंडस्ट्री की इच्छा तो हर किसी को रहती थी, हमारी भी है। सबसे पहले हमने शुरुआत किया, यहाँ पर हमने रेंट हाउस डाला जिसके अंतर्गत हम लोग लेंसेस वगैरह और कुछ एक कैमरे के साथ हम लोग रेंट पे आए, और रेंट के बिजनेस में जब मैंने देखा कि अच्छी तरीके से जम गए और हम लोगों ने हमारा प्रोफाइल तैयार कर दिया, तो इस दौरान काफ़ी इस इंडस्ट्री को मैंने रीड किया। तो रीडिंग के दौरान मुझे एक बात समझ में आई, वो ये बात समझ में ये आई कि हिंदी के कंपैरिजन में भोजपुरी जो सिनेमा है या भोजपुरी की पब्लिक है, क्योंकि हिंदी के बाद आज सबसे बड़ा वर्ग अगर क्षेत्रीय भाषाओं में माना जाए तो क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे बड़ा वर्ग आता है वो भोजपुरी का वर्ग आता है, जो लगभग मेरे रीडिंग के अनुसार तो 22% लोग जो है मतलब ये इस भाषा को समझते हैं, जानते हैं। और केवल इंडिया में ही नहीं, मैं और भी प्रदेश में भी मैंने मतलब गल्फ कंट्री में भी ये देखा है कि वहाँ पर काम करने वाले भोजपुरी गानों को और इन सब चीज़ों को इतना देखते हैं। तो उससे एक मुझे ये लगा कि उस रेशियो में फिर मैंने एक अध्ययन किया कंपनी ने कि क्या रेशियो एक हिंदी फिल्म के बजट का और एक भोजपुरी फिल्म के बजट का। तो एक बात समझ में जो आई वो ये है कि अगर भोजपुरी पिक्चरों को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, तो उस केस में इस इंडस्ट्री में बहुत अधिक स्कोप हमको इस कंपनी को दिखा। वही रीज़न है क्योंकि कंपनी की और भी सब्सिडियरी कंपनियां हैं, लेकिन कंपनी ने स्पेशल भोजपुरी को चुनने का रीज़न ये है। और उन्होंने सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी 2020 में और पहली पिक्चर बनाई गौतम गोविंदा, जो कि हमने भोजपुरी में भोपाल में शूट की। अभी उसका काम बिल्कुल सेंसर के लेवल पे आ गया है और वो फाइनल स्टेज में है। और जब हम लोग फरवरी में शूट के तुरंत तक बात ये हुआ कि हम लोग लखनऊ गए थे और वहीं पर शुरुआत हो गई लॉकडाउन की, अदरवाइज़ और भी हमारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। इस दरमियान हमने एक फाइनल किया कि हमने एक लखनऊ में भी ऑफिस डाली, और लखनऊ में ऑफिस डाल करके क्योंकि हमको यूपी के क्षेत्र को कवर करना था, तो एक वहाँ पर हम लोगों ने ऑफिस चालू की है। और कंपनी के अपने भोजपुरी के प्रोजेक्ट ही जो है इनिशियली 6 प्रोजेक्ट बैक टू बैक लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत कल ही आज सवेरे ही जो यूनिट निकली है, एक पिक्चर है भोजपुरी फिल्म हेलो पापा और दूसरी फिल्म है मेरे पापा की शादी में जरूर आना, ये दोनों पिक्चरों के शूट के लिए आज सवेरे ही यूनिट लखनऊ के लिए निकली है। साथ ही मैंने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होने के कारण टेक्नीशियनों को या और लोगों को भी हिंदी के रेशियो में काफ़ी कम रेट मिलते हैं। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत टेक्नीशियन लोग हैं, बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन मुझे यहाँ ये लगता है कि उन लोगों की भी कीमत या कदर वो नहीं हुई है जो होना चाहिए। अगर मान लो थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग स्ट्रांग हो जाए और अच्छी तरीके से इन फिल्मों को अगर शूट किया जाए, तो आज दुख होता है कि मल्टीप्लेक्स में जो स्थान मिलना चाहिए भोजपुरी को वो नहीं मिल पाता है। अगर वो स्थान मिल जाए और वो ये किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा इस भोजपुरी सिनेमा के लिए भी, इसीलिए हमने भोजपुरी का क्षेत्र सुना है। वैसे मैं भोजपुरी बाद में हमने सीखी या समझे, वरना हम लोग गुजराती वो है, लेकिन फिर भी गुजराती न सेलेक्ट करते हुए भोजपुरी सेलेक्ट करने का एकमात्र हमारा ये रीज़न ये हुआ, बहुत बड़ा एक वर्ग है और बहुत स्कोप मुझे दिखता है।
अगर ये वास्तव में किया गया और ऑर्गेनाइज वे में किया गया तो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया बात होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो सर एवियन से हमें जो प्रोजेक्ट का नाम दिया आपने, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए एक बार। सर आर यू गुजराती, सर आप आजकल गुजराती फिल्में भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो कई प्लान्स बनाए कि अपनी गुजराती फिल्म की? देखिए गुजराती फिल्म का प्लान हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि मैं मेरे को कंपनी चलाना है, कंपनी के लोगों को भी हम लोग ये देखते हैं कि हम एक मार्किंग ये भी रखते हैं कि भाई कंपनी को आज नहीं तो भविष्य में प्रॉफिट के रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज एक गुजराती के वर्ग का भी हमने ये देखा कि गुजराती का वर्ग देखने वाला सिर्फ 6% है, इसका वर्ग 22% है, तो 22% के लिए काम किया जाए, न कि 6% के लिए काम किया जाए। और हिंदी और इनका कंपेरिजन कीजिए, आज करोड़ों में फिल्में बन रही है लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन इतने कम में इतना बढ़िया आउटपुट देते हैं। वो आउटपुट को देखते हुए अगर मान लो भोजपुरी को कैश किया गया तो मुझे बहुत ही मतलब इसमें कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छे दिन आएंगे इस भोजपुरी के। मात्र जरूरत है लोगों को ऑर्गेनाइज होने की, एक इनको एक प्लेटफॉर्म मिलने की। इसी वजह से चाहता तो मैं अपने पर्सनल चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अलावा पर्सनल उसमें भी कर सकता था, लेकिन एक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए आई है कि इसका स्कोप हमको बड़ा दिखता है। इसमें हम लोग क्वांटिटी के साथ अभी 6 फिल्में तो ये है, साथ ही अभी हमने निरहुआ जी को, दिनेश लाल यादव जी को हमने 2 पिक्चरों के लिए अभी हाल में ही साइन किया है, साथ ही यश मिश्रा जी को किया है, और भी अभी ये जो पिक्चरें हैं उसमें जो 2 पिक्चरें हमारी गौरव झा कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हमारा तुरंत अभी हमारी 3 दिन में खेसारी जी से मीट है और 1 या 2 पिक्चर उनके साथ भी प्लान की जाएगी। इस तरीके से करके मतलब एक प्रोफाइल बनाई हुई है, निकट भविष्य में ही आपको जानने मिलेगा कि चंद्रवर्षा एकदम तेजी से स्पीड से इन सब चीज़ों को कवर करती जा रही है और इसमें आगे बढ़ती जा रही है। सर जो 2 पिक्चर के बारे में बताया जो शूट ले गई उसके बारे में बताइए, स्टार कास्ट कौन है? और उसके स्टार कास्ट में है गौरव झा जिसके साथ हमने गौतम गोविंदा बनाई थी, और रितु सिंह है, चांदनी सिंह है, अंजना सिंह है, और साथ ही सुशील सिंह जी है, उमेश सिंह जी है, इन और रजनीश पाठक, इन सब लोगों को लेकर के ये यूनिट गई हुई है और ये पिक्चर को, और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। हेलो पापा, एक आप नाम से ही समझ सकते हो कि हेलो पापा तो क्या चीज़ हो सकती है। साथ ही मेरे पापा की शादी में जरूर आना, जब आप देखते हैं कि एक छोटी सी 13 साल की बच्ची जब माँ बाप के दर्द को समझती है, सब कुछ ये समझती है, और उसके पिताजी के उसको जैसे छोटे से बड़े करते हुए उसको दिखाया है, और बाद में अपने पिता की शादी के लिए किस तरीके से एक एक घर में जा कर के कार्ड बांटती है और अपने पिताजी की शादी करवाती है, उसका भोलापन और एक समाज की आज जरूरत, उन सब विषयों को लेकर के ये दोनों पिक्चरें, आपको बहुत ही आनंद आएगा उन दोनों पिक्चरों में। साथ ही चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट हमेशा इस बात का प्रयास रहेगा कि हम पारिवारिक पिक्चरों को ही ज़्यादा ध्यान दें, न कि वल्गरिटी की, और जो मुझे इसमें थोड़ी सी वल्गरिटी लगी है उस चीज़ को नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसीलिए ये कंपनी जो है पारिवारिक पिक्चरों पे ज्यादा ध्यान देती है, न कि अन्य पिक्चरों पे, या इस तरीके का सा मेरा व्यक्तिगत मत। तो सर जो पोस्ट प्रोडक्शन का शेड्यूल है क्या करने वाले हैं पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर? पोस्ट प्रोडक्शन को देखिए एक्चुअली देखा जाए तो इस कंपनी का बैकअप काफी है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि प्रेजेंटर के रूप में इन्होंने काफ़ी फिल्में अभी हम लोग प्रेजेंटर के रूप में कर चुके हैं, तो नेचुरल है कि इसका पावर तो होगा ही इस कंपनी का। इस कंपनी की प्रोफाइल में आप अभी अंदर भी देखेंगे ऑफिस में भी, तो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, तो कंपनी के कैमरे खुद के हैं, लेंसेस खुद के हैं, लाइट खुद की है, साथ ही मतलब कॉरपोरेट लेवल में ऑफिस यूपी में बना करके, ये तो बाद में अभी कुछ ही दिनों में हफ्ते भर पहले डिक्लेयर हुआ भाई यूपी में वहाँ पर योगी जी ने, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का आभास, क्योंकि चर्चाएं तो वो लोग काफ़ी दिन से कर रहे थे तो आभास था, तो आज से 3 महीना पहले ही लखनऊ में आशियाना कॉलोनी में एक बहुत बड़ा ऑफिस, एक सेपरेट सेटअप डाला वहाँ पर भी है। साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की बेसिक मशीनें जिसके अंदर एडिट मशीन, रिजॉल्व वगैरह में मतलब मशीन, डीआई वगैरह के मशीन, वो बेसिक चीज़ें अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है, और भी आगे फिल्मों के काम के लिए, ताकि इन हाउस पूरा प्रॉपर एक प्रोडक्शन हाउस तैयार हो, जैसा हम लोग हिंदी सिनेमा में देखते हैं वो सब चीज़ें आपको इस कंपनी के अंतर्गत देखने की मिलेगी कि पूरी तैयारी के साथ है। आज कोई भी अगर मान लो आकर के यहाँ, अगर ये आकर के रखता है कि भाई किसी को प्रेजेंट करना है या किसी नए को लॉन्च होना है या कंपनी को पूरा करना है, तो कंपनी के वो पावर है, वो ताकत है कि वो पूरा अंडर वन रूफ पूरी सर्विसेज वगैरह दे सकती है कंपनी, ये इस कंपनी की सोच है। सर उत्तर प्रदेश में से फिल्म फेयर बन रही है, आपने भी कहा, इससे आप जैसे प्रोड्यूसर है या प्रेजेंटर है उनको कुछ फायदा होगा, कुछ लाभ होगा? डेफिनेटली देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है। आज
एक दिल की बात मैं कहता हूँ कि जब मैंने लॉकडाउन देखा, मैं लॉकडाउन के दौरान बम्बई में ही था, लखनऊ से जब मैं बम्बई आया और मैंने देखा यहाँ पर स्थिति, तो मुझे मतलब बहुत दुख इस बात का लगता है कि आज हमारे नेतागण भी बड़ी सिटियों को, बॉम्बे दिल्ली डेवलप है तो उन्हीं की ओर जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो टेक्नीशियन आप देखोगे तो सारे के सारे टेक्नीशियन यूपी बिहार से है। आज चाहे हिंदी सिनेमा भी हो तो उनमें सेवाएं तो यही लोग दे रहे हैं। जो योगी जी ने सोचा है या जो गवर्नमेंट की सोच है, अगर वास्तव में वो सोच वहाँ पूरी हो जाए तो टेक्नीशियनों को भी वहाँ से बम्बई नहीं आना पड़ेगा और यूपी बिहार का भी बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने किया है। और सब्सिडी भी एक बहुत बड़ा विषय है कि कंपनी में ने एडवांस में ही वहाँ पर ऑफिस और ये सब सेटअप बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे मैम, क्या कहना है आपका इस कंपनी के द्वारा? इस कंपनी का नाम चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट है। चंद्रवर्षा से चंद्रेश और वर्षा, हम दोनों को मिला के इस कंपनी का नाम बनाया गया है। और इनके पूरे काम में मैं सहयोग करती हूँ, कहानी से लेके आखिरी तक जो भी फिल्म में ज़रूरी काम रहता है, कुछ पेमेंट्स रहते हैं, कुछ अकाउंटिंग का वर्क रहता है, जहाँ जहाँ इनको जो जिस बात की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हर काम में मैं इनका सहयोग करती हूँ। और हमारा पूरा परिवार फिल्मों के काम में लगा हुआ है। छोटा बेटा भी वेब सीरीज वगैरह करता है, सीरियल करता है। बड़ा बेटा अकाउंटिंग, बैंक्स वगैरह के जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो पूरा अच्छे से देखता है। और स्टोरी वगैरह सुनने में हम सब उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, क्या अच्छी चीज़ें और डालना है, तो राइटर के अलावा हम सब मिलके बैठ के भी उस सब में बात करते हैं। और स्टोरियों में शुरुआत का जो स्टेप रहता है उसमें हम सहयोग करते हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोगों ने उसका काफ़ी अच्छा सदुपयोग किया है और लगभग 12 स्टोरियां तैयार की हैं। और आगे भी अब उसमें हम आगे जो हमारे प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं तो इन्हीं स्टोरियों पे लेके वो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। आपके आपकी जो कंपनी है उसके माध्यम से जो आगे जो कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं पहली बार चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट से जुड़ा हूँ। इसके पहले तो बहुत सारी फिल्में मैंने किया, बहुत सारे प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और ये जो कंपनी है चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का कारण ये है कि ये सबके लिए सोच रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, प्लस इस इंडस्ट्री में जो बेरोज़गार हैं उसको रोज़गार दे। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे टेक्नीशियन के सामने आ रहा है, तो इन्होंने एक इस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि सबका मतलब रोजी रोटी चलता रहे, सबको काम मिलता रहे। जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे अपना मेकअप मैन हो, हेयर ड्रेसर हो, सबको प्रॉपर ये काम दे रहे हैं। तो इनका जो सोच है, जो इनका एम्बिशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनके साथ भी काम कर रहा हूँ अभी, दिनेश जी के साथ से, जो हमारी कंपनी एंटरटेनमेंट वर्षा एंटरटेनमेंट ने जो किया है चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट, वो पिक्चर भी हम लोगों को उन्होंने मौका दिया कि आप भाई डायरेक्ट करिए इस पिक्चर को। और यश जी के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी जो है एक सिर्फ इस तरह से नहीं कि फिल्म बनाए हम और ऐसे डाल दिए मार्केट में, ये बहुत अच्छी सोच है इनकी कि बहुत अच्छी फिल्में हैं मार्केट में, कि हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में चले। हमारी फिल्मों का जो सोच लोगों के विषय में है, लोगों को कि भाई भोजपुरी में बड़ी वल्गरिटी होती है, नहीं देखना चाहिए फैमिली के साथ, तो वो चीज़ इनके अंदर में वो चीज़ नहीं है कि मैं उस तरह की चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। और हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी बन के सामने आए और हमारी जो कंपनी है आगे बढ़े, और हमारे प्रोड्यूसर हमारे निर्माता का जो सोच है कि सब लोगों को काम मिले, सब लोगों को रोज़गार मिले और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी बहुत आगे बढ़े। जबकि इनका सोच है, देखिए अभी इन्होंने गुजराती के बारे में बताया, तो इनकी सोच ये भी है कि मैं गुजराती भी कल करूँगा, मैं पंजाबी भी करूँगा। हमें हर आदमी को काम देना है और कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो हिंदी का भी इनका एम्बिशन है, वेब सीरीज़ का भी एम्बिशन है। मतलब ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इनके साथ। सर, आपके जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसके बारे में, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कब तक आने वाले हैं? अभी मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी पिछले होली में, लॉकडाउन से पहले निरहुआ जी हमारे साथ काम किए थे रोमियो राजा, उसके पहले शेर हिंदुस्तान पिछले साल रिलीज हुई थी होली पे। और बहुत सारी फिल्में हैं जो अभी हमारी सब पोस्ट प्रोडक्शन में है, चूँकि लॉकडाउन की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाए। तो बाकी ये सब है, अपना काम चल रहा है। बाकी तो मैक्सिमम काम मैं अभी चंद्रवर्षा एंटरटेनमेंट के लिए ही कर रहा हूँ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।